हमारे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के पार्टी अध्यक्ष श्री योंगतो जिनी जी, तो आज हम सब लोग बहुत ही खुश हैं क्योंकि हमारे बीच विश्व के सबसे बड़े नेता, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज आलो आए हैं। आज हम सभी के लिए ऐतिहासिक का दिन है। आज हम सब आलो में ऐतिहासिक का दिन है क्योंकि आलो में जो पहला देश का प्रधानमंत्री पिछले बार जो आया था वो 30 साल पहले आया था, और 30 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री आलो में आया है तो अपना नरेंद्र मोदी जी यहाँ आलो आया है। तो मैं इस डिस्ट्रिक्ट के सभी जनता की ओर से और हमारा वेस्टर्न पार्लियामेंट्री के सभी जनता की ओर से, अरुणाचल प्रदेश का सभी जनता की ओर से, हमारा लोकप्रिय नेता ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को आलो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं हमेशा यही बोलता हूं कि अरुणाचल को पहचाना, नॉर्थ ईस्ट को पहचाना तो केवल हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ही पहचाना है। नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही एक पोटेंशियल राज्य है, मगर केंद्र सरकार के स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट जो किया है पिछले 30 सालों में, उसका कारण से हमारा नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश हम लोग प्रगति ठीक ढंग से कर नहीं पाया। मगर 2014 में एक नया उजाला हम लोगों को मिला है, एक नया पहचान नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश को मिला है। जो नरेंद्र मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपना नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश के चैलेंजेस एवं पोटेंशियल एरियाज को उन्होंने पहचाना। उनके बाद आप सब विटनेस है, 2014 से लेके हमारा 2018-19 तक केंद्र मिनिस्टर्स का दौरा, केंद्र मिनिस्टर्स का टूर अरुणाचल प्रदेश में हिस्टोरिक रहा है। हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य बना है 1987 से लेके 2013, करीबन 27 साल, 27 साल में केंद्र मिनिस्टर्स जो अरुणाचल प्रदेश में विजिट किया, अरुणाचल प्रदेश में जिन्होंने टूर किया, उसका आंकड़ा है केवल 50 बार ही टूर किया 27 सालों में। 2014 जब से हमारे यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2014 से लेके 2018 130 टाइम्स, 4 साल में 130 बार से भी केंद्र मिनिस्टर्स अरुणाचल का टूर किया है, और केवल आया घूम के चला गया ऐसा नहीं होता है। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर्स जब आते हैं अपने अपने विभाग का, जो हमारा अरुणाचल रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है उसको लेके चर्चा करते हुए प्रॉब्लम्स को वही सॉल्यूशन देके तो फिर वापस जाता है दिल्ली। तो इस प्रकार का पहचान कोई प्रधानमंत्री दिया है तो अपना नरेंद्र मोदी जी ने ही हम लोगों को दिया है। मोदी साहब के पिछले 5 सालों में हमारे अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा हिस्टोरिक चीजें यहाँ पे हुआ है। अनफॉर्चुनेटली अरुणाचल एक ऐसा एक राज्य था जिसमें हमारे पास मेडिकल कॉलेज भी नहीं था। आज देखिए पिछले 2 सालों में अपना भारतीय जनता पार्टी के सरकार अरुणाचल में गठन होने के बाद पहला मेडिकल कॉलेज भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के आशीर्वाद से हम लोग ने शुरू कर दिया है। कम्युनिकेशन सेक्टर में जितने भी जो प्रस्ताव था, चाहे वो रेल का हो, चाहे एयरपोर्ट का हो, चाहे रोड का हो, चाहे डिजिटल कनेक्टिविटी का है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सपोर्ट के कारण से इन चारों कनेक्टिविटी एरियाज में आज जोर शोर से काम चल रहा है। और आप सब विटनेस है कि हमारे ईटानगर में जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पिछले महीना आके फाउंडेशन स्टोन होलोंगी एयरपोर्ट में दिया है, वो अरुणाचल प्रदेश के जनता के लिए सबसे बड़ा तोहफा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इस प्रकार का अभी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स, आप फिल्म इंस्टीट्यूट से लेके अरुण प्रभा चैनल से लेके हमारा जितने भी पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, खास करके हमारा धोला ब्रिज है, इसके बाद डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु, इस प्रकार का बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हमारा मोदी साहब ने सपोर्ट किया है। तो मैं मोदी साहब को इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका विजन को लेके, आपका जो डायनामिज्म को देखते हुए 5 सालों में जो आपने नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश और पूरे देश के लिए जो काम किया है, यहाँ का जनता ने पूरा मन बना लिया है कि हमारा 60+2, 60 मतलब हमारा 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, +2 मतलब हमारा यहाँ पे 2 सांसद है,
सभी को यहां से भारतीय जनता पार्टी में जीता के वापस फिर राज्य में भेजेंगे, वापस फिर केंद्र में आपके साथ वहां पे भेजेंगे। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के कार्यकाल में अरुणाचल का आज चौथा विजिट है। मैं जो सेकेंड टाइम जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अरुणाचल में आया था, मैं बहुत एक्साइटेड था कि एक प्रधानमंत्री का अपना टेन्योर में सेकेंड टाइम आना बहुत हिस्टोरिक में समझा था। इसके बाद आया, तीसरी बार भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आया, आज चौथी बार आ रहा है। हमारा अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री में कोई भी प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट को इतना इम्पोर्टेंस किसी ने भी नहीं दिया है। आप सब विटनेस रह चुका है, अरुणाचल प्रदेश में एक टर्म में चार चार बार प्रधानमंत्री को आना, दिस इटसेल्फ इज एन हिस्ट्री फॉर अस। इसलिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, मोदी साहब, मैं जनता के बिहाव में मैं आपको ये कहना चाहूंगा, पिछले तीन बार जब आए हैं हमारे राज्य में, आप बहुत सारा चीज हम लोगों को दे के गया है। आज चौथा बार जब आए हैं तो आपको हम लोग यहाँ से दो MP अच्छा से जीता के हम लोकसभा में, ताकि आपका हाथ और भी मजबूत करने के लिए हम लोग आपको यहाँ से दे के भेजेंगे। अरुणाचल में कांग्रेस का तो कमर ही BJP ने तोड़ के रखा हुआ है। आज कांग्रेस आशा करते हैं कि हम लोग अरुणाचल में सरकार, कांग्रेस का सरकार बनाएंगे। वो लोग कैसे सरकार बनाएंगे जबकि 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन लोगों को नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं मिला है, केवल 46 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया है। और ये 46 कैंडिडेट्स भी जिसका नाम नहीं है, जिसको पब्लिक जानता नहीं है, ऐसा वाला कैंडिडेट को खड़ा किया है। तो जीतना भारतीय जनता पार्टी का तय है, क्योंकि जो लक्ष्य हमारा ऑनरेबल प्रधानमंत्री साहब के कर कमलों से जो दिया है नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश में, हमारा डायनेमिक, हमारा नेशनल प्रेसिडेंट श्री अमित शाह जी जो पार्टी को लीड करता है, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम लोग सरकार, हम ही लोग यहाँ पे बनाएंगे। केवल सिर्फ हम लोगों को 23 मई का ही इंतजार है। 23 मई में इस देश में एक नया सूर्य उदय होगा। इस नया सूर्य उदय जो है लोगों का विकास के लिए सूर्य उदय होगा, करप्शन को चेक करने के लिए एक नया सूर्य उदय होगा। 23 मई को जो सूर्य उदय होगा वो युवाओं के लिए सूर्य उदय होगा। हमारा बेरोजगार जो जनजाति है, जो लोग है, उन लोगों के लिए ये नया सूर्य उदय होगा। दूर दराज में जो हमारे किसान भाई, माता पिता जो दूर दराज में ठहरे हुए हैं, उन लोगों के लिए 23 मई में ये सूर्य उदय होगा। और खुशी का बात यह है कि उस सूर्य उदय जो है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से निकालते हुए बाकी के देश में उसका किरण जाके पहुंचेंगे। केवल हम लोगों को सिर्फ काउंटिंग डे 23 मई का ही इंतजार है। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए हम सभी का ओर से एक बार फिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ आलो में स्वागत करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को सुनने के लिए आप लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट भर से और बगल के कॉन्स्टिट्यूंसी के नारा लगाऊंगा। आप लोग जोर से चिल्लाना है, पूरे चीन बॉर्डर तक सुनना है इस हमारा जो स्लोगन को, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, BJP। धन्यवाद अगम्य। नमस्कार, मैं जल्दी जल्दी से, हमारा जितने कैंडिडेट है, 7 कैंडिडेट का मैं नाम पकड़ूंगा, तो वो प्रधानमंत्री जी के दाएं बाएं में एक बार खड़े हो जाइए। हमारा यहाँ 27 यहाँ से यामर खरबाग जी हैं, और 28 से गोजन गांधी जी हैं, लिकावाली से तपक गोसोल एंडा जी हैं, आलो वेस्ट से इंजीनियर तुमके बगरा जी हैं, आलो ईस्ट से केंटो जिनी जी हैं, रुमगोंग से तमिल तागा जी हैं, और मेचुका से पसंद दर्जे सोना जी, सब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दाई बाई सब फोटो के लिए एक बार खड़े हो जाइए अभिनंदन करने के लिए। देवियों सज्जनों, बहुत ही जोरदार तालियों के साथ सभी का अभिनंदन, बहुत ही जोरदार तालियां। भाजपा के सभी उम्मीदवार, बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब हम बड़े आदर के साथ आमंत्रित करना चाहेंगे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि वे उपस्थित जनसभा को संबोधित करें। अगाम्बे मंच पर उपस्थित अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान पेमा खांडू जी, एससीसी अध्यक्ष श्रीमान प्रेम फसांग जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी एवं वेस्ट अरुणाचल संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान किरण रिजिजू जी, विधानसभा चुनाव के लिए हमारे सभी अन्य उम्मीदवार, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूर्य के तेज बड़ा प्रखर होता है ना, आप लोग सूर्य के तेज जितने ही तेजस्वी है और आपकी शूरवीरता की चर्चा हिंदुस्तान के हर कोने में होती रहती है। ऐसे तेजस्वी शूरवीर प्रजाजनों को, मेरे नागरिक भाइयों बहनों को ये प्रधान सेवक का नमस्कार। अरुणाचल के निवासी देश की सुरक्षा के सजग प्रहरी, ये मैं समझता हूं इस सत्य को न कोई नकार सकता है न इस सत्य को इतिहास से कोई मिटा सकता है। मुझे भारत माता की रक्षा के लिए खुद को समर्पित करने वाले आप सभी अरुणाचल वासियों पर गर्व है। ये मेरा सौभाग्य है कि देश के जिस महत्वपूर्ण भाग को मैं पिछले 5 वर्ष से नए भारत का नया ग्रोथ इंजन बनाने का प्रयास कर रहा हूं, वहां अपने काम का हिसाब देने की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश से ही हो रही है। आप सभी मोपिन फेस्टिवल की तैयारी में जुटे हैं। अरुण प्रभा चैनल के माध्यम से देश और दुनिया भी इस फेस्टिवल को देखने वाली है, इसलिए मैं आपको एक विशेष प्रार्थना करता हूं, एक रिक्वेस्ट करता हूं, करूं क्या? देखिए इस बार अरुण प्रभा टीवी चैनल के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान ये आपके फेस्टिवल को देखने वाला है और इसलिए आपने अपने जीवन में कभी भी न देखा हो ऐसा शानदार उत्सव मनाना है, मनाएंगे, सारा देश देखता रह जाए कि ये हमारा अरुणाचल कितना रंग बिरंगी है, कितना जानदार है, कितना शानदार है, तो मनाएंगे इस बार। मैं भी समय निकाल करके उसका वीडियो जरूर देखूंगा। जब मैं पिछले महीने अरुणाचल आया था तो अरुण प्रभा चैनल की शुरुआत करने का मुझे अवसर मिला था। इस उत्सव के लिए भी
आप सबको अरुणाचल वासियों को मेरी तरफ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भाई और बहनों, अरुणाचल प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सौभाग्य लाने वाला रहा है। नॉर्थ ईस्ट में कमल खिलाने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ था। देश आज ये भी देख रहा है कि 2019 के जनादेश में आप लोगों ने कैसे अपने इस चौकीदार को मजबूत करने का अभियान शुरू कर दिया। तीन विधानसभा क्षेत्रों आलो, याचुली और दिराग से बीजेपी के तीन विधायकों को निर्विरोध चुनाव में आपने एक बड़ा संदेश दे दिया। आपने तीन कमल को खिला दिए। विकास के डबल इंजन के लिए मिल रहे आपके इस आशीर्वाद को मैं अपने सर माथे लेता हूं। भाई और बहनों, अपने 5 वर्षों का हिसाब देने से पहले और दूसरों का हिसाब लेने से पहले मैं आप सभी अरुणाचल वासियों, नॉर्थ ईस्ट के मेरे प्यारे भाइयों बहनों का आज इस धरती से आभार व्यक्त करने आया हूं। मैं आपका धन्यवाद करने आया। बीते 5 वर्षों में जिस तरह आपने सरकार की नीतियों का समर्थन किया, योजनाओं को आगे बढ़ाया, सबका साथ सबका विकास के मार्ग को मजबूत किया, वह अभूतपूर्व है। इन 5 वर्षों में देश के लिए मैं जो कुछ भी कर पाया हूं, इसके पीछे आप सबका साथ है, आप सबका समर्थन है, आप सबके आशीर्वाद है। आपका साथ मिला तभी हमारी सरकार अरुणाचल प्रदेश के करीब 50,000 परिवारों को पहली बार बिजली का कनेक्शन दे पाई। ये आपका साथ मिला तभी तो हमारी सरकार अरुणाचल की 40,000 माताओं बहनों को मुफ्त में गैस का कनेक्शन दे पाई, उनकी रसोई को धुएं से मुक्त कर पाई। आपका साथ मिला तभी अरुणाचल के 1 लाख से अधिक परिवारों को टॉयलेट से जोड़ा गया, 5,000 से अधिक गांवों को खुले में शौच से मुक्ति दिलाई जा सकी। आपका साथ मिला तभी अरुणाचल के करीब 3 लाख साथियों के पहली बार बैंक में खाते खुल पाए। आपका साथ मिला तभी मुद्रा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि यहां के युवाओं को बिना बैंक गारंटी दी जा सकी। आपका साथ मिला तभी मैं आलो और हापोली सहित अनेक कस्बों और गांवों में पीने का पानी पहुंचाने के लिए सार्थक प्रयास कर पाया। आपका साथ मिला तभी मैं
ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट और राज्य को पहला सैनिक स्कूल दे पाया। मुझ पर आपके इस विश्वास के लिए मैं अरुणाचल प्रदेश के लोगों को आज जब आपके बीच आया हूं तो नमन करता हूं, आपके साथ सहयोग के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। प्रेमा खंडू जी, किरण रज्जू जी और तपीर गांव जी जैसे यहां के प्रतिभाशाली साथियों से भी मुझे बहुत कुछ जानने को मिला है, समझने को मिला है। आपको पता ही होगा कि प्रेमा खंडू जी की साइकिलिंग और रिज्जू जी की एक्सरसाइज, ये इसके वीडियो सिर्फ अरुणाचल में नहीं देश में धूम मचा रहे थे, सोशल मीडिया में छाए हुए थे और नौजवानों को प्रेरणा भी दे रहे थे। भाई और बहनों, आपका यही स्नेह है जो बार बार मुझे आपके बीच खींच करके ले आता है। बीते 5 वर्षों में मैं 30 से भी ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट आ चुका हूं, कोई सोच नहीं सकता है। आपने बताया ना, यहां प्रधानमंत्री 30 साल के बाद आए और ये प्रधानमंत्री ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट में 30 बार आया। हर हफ्ते 2 हफ्ते में केंद्र सरकार का कोई न कोई मंत्री यहां आया है, आपके बीच रुका है, आपके सुख दुख में शामिल हुआ है। साथियों, आपने तो पहले की सरकारों के तौर तरीके भी देखे हैं। खुद को भारत का भाग्य विधाता समझने वाले लोग कितनी बार अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट आए हैं, इसकी तुलना से ही बहुत कुछ साफ हो जाता है। आपके इस चौकीदार ने दिल्ली को आपके दिल से जोड़ने की कोशिश की है। भाइयों और बहनों, अरुणाचल प्रदेश सिर्फ भारत का एक राज्य भर नहीं है, बल्कि यह तो भारत की मजबूत ढाल है। यहां के आप सभी भाई बहन राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति की परम प्रेरणा है। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के नामदारों ने ना तो इसकी परवाह की और न ही आपकी आशाओं आकांक्षाओं को सम्मान दिया। अरुणाचल को पहली बार रेल मैप पर लाने का सौभाग्य आजादी के 7 दशक बाद इस चौकीदार को मिला। अरुणाचल प्रदेश को एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली को सीधे जोड़ने का काम भी 7 दशक बाद संभव हो पाया। जो बोगीबिल पुल बरसों से लटका हुआ था, उसके बनने से पूर्वी जिलों के हजारों लोगों की ईटानगर से दूरी 16 घंटे से घटकर 4-5 घंटे ही रह गई। आजादी के 7 दशक बाद अरुणाचल को हवाई कनेक्टिविटी मिल पाई है। पासीघाट और तेजू एयरपोर्ट या फिर होलोंगी एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है। साथियों, दशकों से एक्सपर्ट कहते जा रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश समेत यहां के तमाम क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है,
लेकिन नामदार परिवार और बैठ यहां पर बैठे हुए उनके राग दरबारी तो अपनी सल्तनत को मजबूत करने में जुटे हुए थे, आपकी उनको चिंता नहीं थी। उनको सभी की भलाई से ज्यादा मलाई की चिंता थी। हम आपकी भलाई के लिए काम करते हैं, वो अपनी मलाई के लिए काम करते हैं। अब आप बताइए, आपकी भलाई काम करने वाला आपको नेता चाहिए कि मलाई खाने वाला चाहिए? अब मलाई खाने वालों को आपने विदा कर दिया है, दोबारा घुसने मत देना, वरना ये ऐसे लोग हैं मलाई चौपट कर जाएंगे। गरीबों के सस्ते राशन के साथ इन्होंने क्या किया था याद है ना? गरीबों के राशन के साथ क्या किया था इन्होंने, भूलना मत। गरीबों का राशन कौन खाएगा, खा गया था कौन, खा गया था? अरे जरा जोर से बताइए, देश सुन रहा है, कौन खा गया था, कौन खा गया था? इनकी खाने की ताकत इतनी है, वो केरल में भी खा सकते हैं, अरुणाचल में भी खा सकते हैं, आसाम भी खा सकते हैं। पीडीएस स्कीम में किसको जेल जाना पड़ा? भाइयों और बहनों, 5 साल का सेवा भाव और 55 साल के सत्ता सुख का फर्क यही होता है। इनकी सरकार दिल्ली में हो या फिर किसी भी राज्य में, कांग्रेस की हमेशा करप्शन से मजबूत सांठगांठ रही है। यही उनका महागठबंधन है जो सबको बांधने वाला फेविकॉल करप्शन है। आपको पता है, यहां इनके जो नेता गरीबों की थाली से निवाला चुराते हैं, उन्हें प्रेरणा कहां से मिलती है? इनकी प्रेरणा है दिल्ली में बैठे वो नेता जो इनकम टैक्स चुराते हैं, किसानों की जमीन चुराते हैं, अखबार चलाने के लिए मुफ्त में दी गई सरकार जमीन से लाखों रुपए किराया कमाते हैं, देश के रक्षा सौदों में दलाली से भी अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, खुद बेल पर है, खुद तो जमानत पर है, कोर्ट ने जमानत दी है, अगर जमानत न मिली होती तो कहां होते? जमानत न मिली होती तो कहां होते? अरे थोड़े में बच गए हो, थोड़े में बच गए हो। और जो बेल पर है, फिर चौकीदार को गाली दे रहे हैं। आपको ये गाली मंजूर है क्या? ये गाली मंजूर है क्या? आप भी चौकीदार हैं क्या? आप भी चौकीदार हैं क्या? मेरे साथ बोलिए, मैं भी, मैं भी, मैं भी। साथियों, करप्शन की, दलाली की, गरीबों से गद्दारी की इन लोगों की आदत बहुत पुरानी है और वो इसके आदि बन चुके हैं। इन्हें देश को, देश की जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की पुरानी आदत रही है। इसलिए ये न देश के जवान की चिंता करते हैं और न ही हमारे नौजवान की चिंता करते हैं। इन्हें न तो देश की क्षमता पर विश्वास है और न ही हमारे युवाओं के सामर्थ्य पर भरोसा है। भारत जब भी बड़ी सफलता हासिल करता है, आप मुझे बताइए, देश कुछ भी अच्छा करे तो आपको आनंद होता है कि नहीं होता है?
खुशी होती है कि नहीं होती है? अच्छी खबर सुनने के बाद अपनों को फोन करके आप बताते कि नहीं बताते हैं? कितना गौरव होता है, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, शहर में हो, गांव में हो, गरीब हो, अमीर हो, देश की अच्छी खबर आपको ताकत देती है कि नहीं है, आनंद देती है कि नहीं देती है, उत्साह देती है कि नहीं देती है? लेकिन ये ऐसे लोग हैं, जब देश कोई बड़ी सफलता हासिल करता है तो ये नामदारों और उनके दरबारियों के चेहरे लटक जाते हैं, बस रोना बाकी रह जाता है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक के समय ये खुद देखा है, जब भारत ने आतंकियों को घर में घुस करके मारा तो इनका क्या रवैया रहा, ये भी आपने देखा है। जब हमारे वैज्ञानिक दुनिया को हैरान कर देते हैं तो भी ये उसका मजाक उड़ाने के बहाने खोज लेते हैं। साथियों, जिस बात पर देश गर्व करता है उसी बात पर इन लोगों को दुख होता है। दुनिया में भारत का डंगा बजता है तो ये तिल मिला जाते हैं, ये वही भाषा बोलते हैं जो आतंकवादियों के आका बोलते हैं। आज हिंदुस्तान में इनकी पूछ नहीं है, लेकिन ये भी कमाल है, भारत में उनको कोई पूछने वाला नहीं है, पाकिस्तान में इनका जय जयकार हो रहा है, पाकिस्तान के अखबारों में उनकी तस्वीर छप रही है, टीवी पर उनके बयान चमक रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों पे भरोसा करोगे क्या? ऐसे लोगों पे भरोसा करोगे क्या? ऐसे लोगों को सजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? लोकतंत्र में सजा करने का अधिकार आपका है, सजा करोगे कि नहीं करोगे? जम करके सजा करोगे कि नहीं करोगे? साथियों, उनको एक पड़ोसी देश पर इतना प्यार आ रहा है, इतना प्यार आ रहा है कि अब नॉर्थ ईस्ट नहीं, भारत भी उनको नहीं भा रहा है। एक तरफ देश को बांटने की साजिश रचने वाली ताकतें हैं और दूसरी तरफ देश को सुरक्षित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की ईमानदार कोशिश चौकीदार कर रहा है। एक तरफ देश को लेकर हिंसा का भाव पैदा करने का लगातार प्रयास हो रहा है तो दूसरी तरफ देश के लोगों की उपलब्धि पर हर हिंदुस्तानी गर्व के भाव से भरा हुआ है। अरुणाचल के लोग देख रहे हैं कि कौन किसके साथ है। साथियों, जब दिल्ली पुलिस के स्वॉट दस्ते में अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट की बेटियां दिखती हैं तो हमें गर्व होता है। जब यहां की बेटियां एवरेस्ट फतेह करती है तो सारे हिंदुस्तान को गर्व होता है। साथियों, 5 साल मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया है, लेकिन मैं वहां रुकने वाला इंसान नहीं हूं। चलो बहुत हो गए, प्रधानमंत्री बन गए, इतिहास में नाम लटक गया, सब हो गया, चलो अब क्या है, बहुत हो गया। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। आज जितना करूंगा तो फिर नया करने का मन करता है, फिर नया करने का मन करता है, फिर नया करने का मन करता है। 5 साल में बहुत कुछ किया है, लेकिन इस 5 साल के अनुभव के आधार पर आने वाले 5 साल में
आगे के 25 साल का करने का इरादा लेकर के आपका आशीर्वाद लेने आया। आपके चौकीदार को अरुणाचल के हर युवा के सामर्थ्य पर विश्वास है। हम और आप मिलकर एकजुट होकर अरुणाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। ये मेरा भी सौभाग्य है कि आपको विकास के भाजपा के इस विजन पर विश्वास है। इसी विश्वास को हमें 11 अप्रैल को और मजबूत करना है। यहां पेमा खांडू जी की और दिल्ली में मोदी की सरकार बनाकर आपको विकास का डबल इंजन लगाना है और तेजी से आगे बढ़ाना है। आप दूर दूर से यहां आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं परंपराओं में आस्था रखने वाला इंसान हूं, मैं सांस्कृतिक विरासतों पर श्रद्धा रखने वाला इंसान हूं। कुछ लोग तो ऐसे हैं दिल्ली में, ऐसे कपड़ों की भी मजाक उड़ाते हैं। आपने देखा होगा कि मोदी जी नॉर्थ ईस्ट में गए, ऐसे कपड़े पहने थे। उनके लिए ये कपड़े होंगे, मेरे लिए तो मेरे अरुणाचल की संस्कृति है, परंपरा है। मेरे लिए कपड़े नहीं है, मेरे लिए वेशभूषा नहीं है, ये मेरे लिए अपनों का आशीर्वाद है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं अरुणाचल के नॉर्थ ईस्ट के हर व्यक्ति को कहना चाहता हूं, आपने, आपके पूर्वजों ने जो महान परंपराओं को संवारा है, बनाया है, मैं उसका भी चौकीदार बन के आपके साथ। आपकी मान्यताओं को, परंपराओं को बचाए रखना, उसको विकसित करना, आपके इच्छा के अनुसार चलाना, ये मोदी का वादा है, ये मैं आपको वादा दे रहा हूं। भाइयों बहनों, जो आपकी संस्कृति की रक्षा करे, जो आपकी परंपरा की रक्षा करे, जो आपके आशा अरमान के लिए जी जान से मेहनत करे, ऐसा चौकीदार आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा चौकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन मैं अकेला चौकीदार नहीं हूं, आप सब भी मेरे चौकीदार हैं, आप सब भी देश के चौकीदार हैं, आप सब भी देश के उज्जवल भविष्य के चौकीदार हैं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, मैं बोलूंगा मैं भी, आप बोलिए मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी। भाइयों बहनों, मैं अरुणाचल में बहुत बार आया, लेकिन ऐसा विशाल जनसागर आज मुझे पहली बार देखने को मिला। मैं जानता हूं छोटा सा प्रदेश कितनी दूर दूर से आना पड़ता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आपका यहां आना, ये दिखा रहा है देश की हवा का रुख क्या है, ये अरुणाचल ने दिखा दिया। हमारे जो 3 MLA 3 कमल लेकर के आए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आने वाले दिनों में अरुणाचल में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरेगा, दिल्ली में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरेगा, एनडीए की सरकार बनेगी, इसी एक भावना के साथ मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। पूरी ताकत से मुट्ठी बंद करके बताइए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए आप सभी मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद देवी सज्जनों। इसी के साथ
परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का